भारत न्यूजीलैंड के बीच वो तीसरे वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। इस मैच के हीरो रहे विराट कोहली और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 154 और 80 रनों की पारी खेली। एक वक्त पर जब भारत के दो ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे कम स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए, ऐसे में भारत के दो कप्तानों ने भारत की नैया जीत के किनारे लगाई। मैच के बाद ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच को जीतने के अपनी रणनीति का खुलासा किया। दरअसल भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराने के दौरान चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के बारे में कहा कि उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को मैच खत्म करने का मौका देने के लिए ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड के 286 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने विराट कोहली, धोनी और मनीष पांडे की पारियों की बदौलत 10 गेंद बाकी रहते 3 विकेट पर 298 रन बनाकर जीत दर्ज की। धोनी ने मैच के बाद कहा कि मैं लंबे समय से निचले क्रम में बल्लेबाजी कर रहा था। मुझे लगता है कि लगभग 200 पारियों से कुछ हद तक मेरी स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता कम हो रही थी, इसीलिए मैंने बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आने और अन्य खिलाड़ियों को मैच खत्म करने का मौका देने का फैसला किया। लेकिन मुझे पता था कि मुझे बड़े शॉट्स भी खेलने होंगे। विराट के साथ बल्लेबाजी करने से मदद मिली क्योंकि हमें पता है कि हम बाउंड्री जड़ सकते हैं और तेजी से एक और दो रन भी ले सकते हैं। वो शुरू से ही ऐसा खिलाड़ी रहा है जो हमेशा भारत के लिए मैच जीतना चाहता है। आपको बता दें कि धोनी और कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 151 रन जोड़कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले कामचलाऊ स्पिनर केदार जाधव की भी तारीफ करते हुए धोनी ने कहा कि केदार ने हैरान किया।